मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम कम्युनिकेशन सेंटेंसेस. नाउ फर्स्ट इज नो इशू और प्रॉब्लम. अब जैसे हम किसी से कहते हैं कोई बात नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे नो इशू और नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट गेट वेक अप, यानी जाग जाइए. जैसे हमें किसी को उठाना होता है तो कहते हैं जाग जाइए, तो गेट अप या फिर वेक अप, यानी जाग जाइए. टेक अ बाथ, नहा लीजिए. हमें किसी से ये कहना है कि नहा लीजिए, तो इंग्लिश में हम कहेंगे टेक अ बाथ. मेक माय बेड, मेरा बिस्तर लगा दीजिए. आप जैसे मम्मी से कहते हो मम्मी मेरा बिस्तर लगा दीजिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे मेक माय बेड, मेरा बिस्तर लगा दीजिए. हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लीजिए. जैसे मम्मी आपसे कहती है कि बेटा नाश्ता कर लीजिए, और आपको अगर किसी से कहना है कि नाश्ता कर लीजिए, तो आप कैसे कहोगे? Have breakfast. Get dressed. तैयार हो जाइए. जैसे हमें मार्केट जाना है या किसी पार्टी में जाना है या आपको किसी फ्रेंड्स के घर जाना है, तो आप तैयार होकर जाते हैं. तो मम्मी कहती है बेटा तैयार हो जाओ. ठीक है, अगर हमें किसी से ये कहना है कि तैयार हो जाइए, तो आप इंग्लिश में कहोगे Get dressed. यानी तैयार हो जाइए. This is for you. यह आपके लिए है. मान लीजिए आप अपनी सिस्टर के लिए चॉकलेट खरीद के लाए, तो आप कहते हो दीदी यह आपके लिए है, तो आप कैसे कहोगे? दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? जैसे हम पूछते हैं ना क्या बात है, तो आप कैसे पूछोगे? व्हाट्स द मैटर. गो अहेड, आगे बढ़िए. अगर हमें किसी से ये कहना है कि आगे बढ़िए, तो हम कहेंगे गो अहेड. यू हैव चेंज्ड, आप बदल गए हैं. मान लीजिए आपका फ्रेंड है, काफी टाइम के बाद आपसे मिला है, तो आपको लगता है कि आपका फ्रेंड बदल गया है, तो आप उनसे कहते हो कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हैं. तो अगर हमें किसी से भी ये कहना है कि आप बदल गए हैं, तो कैसे कहोगे? यू हैव चेंज्ड, आप बदल गए हैं. तो आप किसी से भी कह सकते हैं, अगर आपको ये कहना है तो आप यही कहेंगे यू हैव चेंज्ड, आप बदल गए हैं. लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए. जैसे हम कहते हैं ना अपने चारों तरफ देखो क्या क्या है, अगर आपको किसी से भी कहना है कि अपने चारों तरफ देखो, तो आप कैसे कहोगे? लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए. तो इस तरह बच्चों ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और आप डेली इनको आपस में बोलना है, प्रैक्टिस करनी है. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.